राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है आजकल अनन्यता, जो उपासना की जान है, रसिकता की जान है और अनुभूतियों की जान है। भगवान ने जो गीता में कहा था, अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम ये जनाः परिउपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यम्। इस श्लोक का प्रमाण है सारा महाभारत। किन विषम परिस्थितियों में भगवान ने पांडवों की रक्षा किया, सारा जीवन ही ये इस श्लोक का प्रमाण है। पांडवों का जीवन यदि उन घटनाओं को कहा जाए तो कई दिन लगेंगे। कैसे कैसे प्रतिज्ञाएं भी अंत समय तक कृष्ण उनकी रक्षा करते रहे। जैसे उन्होंने तो अपनी धर्मज्ञता में कसर नहीं रखी, जो कई बार उनके लिए मरने के कारण बनती। एक बार तो युधिष्ठिर प्राण छोड़ने जा रहे थे, महाभारत की कथा है। ऐसा कई बार हुआ है। कर्ण पर्व में कर्ण ने भाव घायल किया था युधिष्ठिर को भी। और उन्होंने उस समय ऐसी शल्य चिकित्सा थी, डॉक्टरी समझो, कि तुरंत ठीक कर देती थी। हमने सुना था कि एक बुढ़िया थी, उसके पास कुछ ऐसे नुस्खे थे जैसे हाथ काट दो तुरंत जोड़ दो, वो महाभारत काल की। ये हमको चौबे जी ने सुनाया था। युधिष्ठिर का इलाज हो रहा था, युद्ध चल रहा था, उधर से घायल होकर गए और स्पेशल जो वार्ड होता है, हैं, वहां उनका इलाज चल रहा था। अर्जुन ने सुना था कि भैया घायल हैं, कर्ण ने बहुत बाण मारे हैं, बहुत घायल किया है। तो कृष्ण से कहा कि चलो देख, हमें सुनते हैं गंभीर स्थिति है।
तो दोनों जाते हैं और वहां युधिष्ठिर पड़े रहते हैं, उनका उपचार चल रहा है। जाकर के दोनों ने प्रणाम किया युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर घिए हुए थे और उन्होंने खीज में अर्जुन से कहा, धिक्कार है तेरे को, तेरे रहते हमारे ये दशा भाई, धिक्कार है तुमको और तुम्हारे गांडीव को। तो ये सुनते मान अर्जुन तलवार निकालने लग गए। कृष्ण ने पूछा, अरे ये क्या तलवार क्यों निकाल रहे हो, ये कोई लड़ाई का मौका है क्या? बोले, मेरी प्रतिज्ञा है कि गांडीव धनुष की जो मेरे सामने बुराई करता है उसका सिर काट लूंगा। आपके सामने उन्होंने गांडीव धनुष को धिक्कार कहा, यह भगवान अग्नि देव का दिया हुआ गांडीव ये धनुष है, मेरे अपमान की बात नहीं है, तो इसलिए मैंने तलवार निकाला है। यदि मैं इनको नहीं मारूंगा तो खुद मर जाऊंगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न च दैन्यम न पलायनम। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, गिड़गिड़ा करके भीख नहीं मांगेंगे जीवन के लिए दैन्य, और भागेंगे नहीं युद्ध में, कभी पीठ नहीं दिखाई और कभी भागे नहीं और कभी वो गिड़गिड़ाए नहीं। अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न च दैन्यम न पलायनम, न च पलायनम। तो अगर मैं या तो बड़े भैया को मारूंगा या स्वयं मर जाऊंगा, ये तलवार तो खाली नहीं जाएगी केशव, ये तो या हमको मारेगी या तो बड़े भैया को मारेगी। तो भगवान हंस गए, बोले अर्जुन ये तेरे पूज्य हैं, पिता की हत्या से बढ़ के इनकी हत्या होगी। वैसे भी बड़े भाई हैं, वैसे भी पिता के समान हैं, तुम लोगों ने जीवन भर सम्मान किया, क्या अपने पिता को मारेगा? तो बोले भैया, इनको नहीं मारूंगा, अब अपना सिर काट लूंगा। तो भगवान बोले, नहीं, तू अपना सिर काटेगा ये भी तेरी प्रतिज्ञा का नाश है। पलायनम न च दैन्यम न पलायनम, युद्ध से भाग करके आत्महत्या करना, यह भी तेरी प्रतिज्ञा टूटेगी। अब चक्कर में फंस गए अर्जुन, इधर से भी कुआ है, इधर से भी खाई है। तो श्याम सुंदर से बोले, हे केशव, तो आप ही बताओ, इधर से हम न मारे इनको तो मरे, इधर से अपने को आप हम अपना सिर काटते हैं तो आप कहते हो प्रतिज्ञा यो भी नाश है, तो मैं क्या करूं? एक उदाहरण दे रहे हैं हम तुम्हें,
कि भगवान कैसे रक्षा करते हैं। तो प्रभु बोले, देखो ऐसा है, तुम भी नहीं मरो और इनको भी नहीं मारो और तुम्हारी प्रतिज्ञा की रक्षा हो जाएगी। बोले क्या हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, दोनों एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो होगी होगी, सुन, अपने से बड़े का अपमान करना देना उसकी हत्या के समान है। तुम इनको अपमान करो। बोले मैं तो नहीं कर सकता, मर जाऊंगा लेकिन नहीं करूंगा। कैसे अपमान करें? बोले भाई अपमान तू कह दे इनको, जैसे हम लोग कहते हैं तुम बैठो, आप बैठो, और किसी से कह दें ए बैठ जा तू, तो अपमान हो गया। तो इस तरह से इनकी हत्या भी हो गई और तेरी प्रतिज्ञा की रक्षा भी हो गई। तो वो बोले अच्छा, ऐसे में इनकी हत्या हो जाएगी? बोली हाँ, बड़ों की अवज्ञा उनकी हत्या है। 8 का सिर काटने की प्रतिज्ञा थी अर्जुन की युद्ध के बाद, और अर्जुन की प्रतिज्ञा थी इसका सिर काट देंगे अश्वत्थामा का। और इधर द्रौपदी अड़ गई, इनकी हत्या करोगे? आत्मा भी जायते पुत्र, ये तुम्हारे साक्षात गुरु जी भी हैं अपने पुत्र के रूप में, क्या गुरु हत्या करोगे? तो अर्जुन घबरा गए। भीम बोले अर्जुन उठा तलवार, इसका सिर काट, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर अगर क्षत्रिय है तो। और इधर द्रौपदी बोल रही है अरे ये तुम्हारे गुरु हैं, गुरु की हत्या करोगे? अब वही चक्कर फंसे थे अर्जुन। तो उस समय भगवान ने कहा था अच्छा ऐसा कोई करो कि तुम्हारी प्रतिज्ञा की रक्षा भी हो जाए और गुरु हत्या भी ना हो। तो उन्होंने कहा अपमान कर देना ये हत्या है, इनके सिर के मणि निकाल लो, दाढ़ी मूछ मोड़ दो, हत्या हो गई और गुरु की हत्या भी नहीं हुई। तो उस समय भी भगवान ने बचाया था। ये अनन्यांश चिंतितो माम यजना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान योग क्षेम निश्चित धारण करते हैं। सारे महाभारत में देखो, ये तो हमने एक दो उदाहरण बताए हैं, जाने कितने उदाहरण हैं। तो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा तू भाग आया युद्ध क्षेत्र से। तो ये सुन करके घायल अवस्था में युधिष्ठिर उठने की कोशिश करने लग गए। तो भगवान हंस गए, बोले भैया इस समय आपकी उठने की स्थिति नहीं है, इलाज चल रहा है। बोले कृष्ण मैं तो मरूंगा। बोले क्यों? मेरा अपमान हुआ है, अपमान का जीवन नहीं जीऊंगा। वो क्षत्रिय नहीं है जो अपमान का जीवन जीवे। ये वही अर्जुन है जिस द्रौपदी को हमने दांव पर लगाया था तो कुछ नहीं बोला था। ये वही अर्जुन है जब हम सबका एक ही स्त्री से ब्याह हुआ पांचों का,
जीत के लाया था इसका अधिकार था, कुछ नहीं बोला था। बहुत से उदाहरण दिए, ये वही अर्जुन है आज हमको तू कह रहा है, अब हम जी के जी नहीं सकते। तो उन्होंने युधिष्ठिर को समझाया, ये तो मैंने कहा था इससे तू कह दो, ये तो कभी नहीं कह सकता, अगर नहीं करता तो अर्जुन मर जाता। तब युधिष्ठिर समझ गए और जा रहे थे आत्महत्या करने। इसी तरह से जब नारायणास्त्र छोड़ा था कर्ण पर में, कर्ण ने के सामने दुशासन का खून पिया था भीम ने, भीम ने पटक करके दुशासन को 10,000 हाथियों की शक्ति उसमें भी भुजाओं में थी और 10,000 के दुशासन में, दोनों समान योद्धा थे। उस समय भीम ने कर्ण को पटका, इसके दुशासन को, और उसकी छाती पर बैठ गए। और खड़े होकर के बोले, है कोई इसको बचाने वाला दोनों सेनाओं में? जोश में बोल गए, आज भीम दुशासन का खून पिएगा, किसी में शक्ति हो तो बचा ले। इस बात को सुनते अर्जुन उतर पड़े रथ से अस्त्र लेकर के। कृष्ण ने देखा, ये क्या अर्जुन कहां जा रहे हो? बोले, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं ललकार नहीं सह सकता। अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न च दैन्यम न पलायनम। भीम ने क्या कहा, दोनों सेनाओं में किसी में शक्ति है तो बचा ले। आपने सुना नहीं, तो तुम क्या करोगे? मैं युद्ध करूंगा भीम से, भीम को मारूंगा या स्वयं मरूंगा, दुशासन को मरने नहीं दूंगा। तो श्याम सुंदर बोले, एक बात बताओ, द्रौपदी की भी तो प्रतिज्ञा है, कि जब तक इसके खून से बाल नहीं धोऊंगी, बाल नहीं बांधूंगी। दोनों सभाओं में बाल पकड़कर खींच के लाए थे दुशासन, उस समय तुम्हारा पुरुषार्थ कहां चला गया था? फटकारा उन्होंने, तुम्हारे खून में गर्मी होती तो उस समय गर्मी कहां चली गई थी? बोले, मैं तो उठ रहा था, भैया ने दाब दिया था। तो अब तुम युधिष्ठिर के सामने भीम को मारोगे? ऐसे तर्क दिए कि वो चुप हो गए। और बोले श्याम सुंदर कि भीम सच कह रहा है, आज इसको बचाने वाला ईश्वर भी नहीं है। क्योंकि अर्जुन नृसिंह आवेश हमने दे दिया इसके भीतर, आज भीम के भीतर इसको शंकर ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते।
आज भीम की प्रतिज्ञा पूरी करने का अवसर है और मैंने शक्ति दिया है, चुप बैठ जाओ। अब अर्जुन के होश गुम हो गए, क्योंकि कृष्ण तो सबसे बड़े हैं, कृष्ण की आज्ञा तो नहीं टाल सकते। वो शांत हो गए अर्जुन, ने दोनों में एक मरता एक मारता। युधिष्ठिर मरता, पहले आपको सुनाया, या अर्जुन मरते, भीम मरता या अर्जुन मरता। जब शांत हो गए अर्जुन तो उन्होंने उसकी भुजाएं उखाड़ी, पीछे उखाड़ी है, बोले दुशासन तेरी वो भुजाएं कहां हैं जिससे द्रौपदी के बाल खींचे थे। तो उसने भी गुस्से में यों हाथ ऊपर किया, ये हैं मेरी भुजाएं। भीम ने एक भुजा उखाड़ी, क्योंकि उसमें भी 10,000 हाथियों की शक्ति थी, ऐसा थोड़ी पता था कि एकदम। वो तो देने वाले बल भगवान हैं, किसी में कोई बल नहीं है। ये स्वयं अर्जुन ने कहा है पहले स्कंद में, संख्या याद नहीं, अग्रे चरो मम विभो रथ उत्पानाम, संख्या देखना बताना है, प्रथम स्कंद 17वां या 18वां अध्याय होगा, 15वां अग्रे चरो मम विभो मम यूथपानाम आयुर्मनान से सह ओज आरछत। अर्जुन ने कहा कि मैं क्या किसी को मार सकता था, मेरे रथ के आगे बैठ करके इन्हीं कृष्ण ने सभी कौरवों के आयु को, ओज इंद्रिय शक्ति को, सह माने मानसिक शक्ति को हरण कर लिया था। ये 1:15:15 यही बात भीष्म ने भी कही है, 1:9:9 अध्याय संख्या देख लो, सपदि सखी बचो निशम्य मध्य रथ है 35, सपति सख बचो निशम्य निज परियोर भले रथ, और आगे क्या है, हमने कहा था रथ को स्थापित करो, तो बीच में स्थापित करके समस्त कौरव की आयु इत्यादि छीन लिया था, अपनी दृष्टि से आंखों से छीन लिया था। हम तो मरे मराए को लड़ते रहे, तो जो कुछ शक्ति है सब भगवान की है। और अब भी वही नाटक चल रहा है, एक तरफ तो मान मंदिर है आंदोलन उठा रहा, दूसरी तरफ दूसरे लोग उठा रहे हैं जहां धन की शक्ति है। अब धन की शक्ति यानी नारायणी सेना है, एक तरफ केवल कृष्ण है, क्या होता है तो पीछे पता पड़ेगा।
सवेरे इसी बात पर ये घटना याद आई, तो उसने भीम ने दुशासन की भुजा उखाड़ लिया और फिर गुस्से में दूसरी भुजा और कर दिया, आगे दूसरी भी उखाड़ दिया भीम ने। ऐसे उखाड़ दिया जैसे कोई खिलौना, और उन भुजाओं से पीटा और सब देख रहे थे, किसी में हिम्मत नहीं हुई जाके बचा हुए। भीम की आकृति ऐसी हो गई थी भयानक उस समय, जिसने आकृति देखा आंख बंद कर लिया डर के मारे। बड़े बड़े योद्धाओं ने, महारथियों ने फिर भीम बैठ के उसकी छाती को फाड़ दिया। बोले पांचाली को लाओ। वहीं शिविर में पांचाली थी दूर, द्रौपदी को लाया गया। कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, तुम इसके खून से अपने बालों को धो, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि मैं बिना इसके खूनों से स्नान किए केश नहीं बांधूंगी। भीम ने खून छोड़े उसके बालों पर और एक प्रतिज्ञा और थी कि इसका रक्त पीऊंगा मैं। महासती द्रौपदी का जिसने अपमान किया उसको मारूंगा और उसका खून पीऊंगा। तो दोनों अंजलि में छाती खून निकाला और मुंह पर के पास ले गए और बोले वाह, मैंने आज तक, मैं भोजन भट्ट था, संसार के अनेक पदार्थ मैंने खाए और खिलाए, ऐसा स्वाद हमें अपनी माँ के दूध में नहीं आया आज तक, जो दुशासन के खून पीने में। कह के नाचने लग गए खुशी में। इस बात को सुनकर के कर्ण को बड़ा गुस्सा आया, उसने नारायण अस्त्र का प्रयोग कर दिया। नारायण अस्त्र से कोई बच नहीं सकता है। ये गुरु द्रोणाचार्य ने उसको अकेले में सिखाया था, पुत्र के पक्ष में, ये अर्जुन को भी नहीं आता था। नारायण अस्त्र चला, जितने योद्धा थे उतने ही उसने रूप बनाया बाणों का। और भगवान ने देखा अब तो कोई नहीं बचेगा, एक भी पांडव नहीं बचेगा, एक भी पांडवों का सैनिक नहीं बचेगा। आज महाभारत खत्म, आज कौरवों की विजय होगी। इस अस्त्र को तो अर्जुन भी नहीं जानते हैं, ये चोरी से उन्होंने, द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को सिखाया था। तो भगवान रथ पर खड़े हो गए और ऐलान किया, सुनो सुनो, सब लोग युद्ध बंद करो, हथियार छोड़ दो, इस अस्त्र से बचने का ही उपाय है। ये नारायण अस्त्र है, यानी मेरा अस्त्र है। ये दीनहीन को नहीं मारता है, इसके सामने दीन बन जाओ ये नहीं मारेगा।
तो सब ने ऐलान सुना कृष्ण का और सब ने हथियार फेंक दिए और नारायण अस्त्र सबके सामने जा रहा है उतने रूप बना करके, और देखा हथियार छोड़ करके हाथ जोड़ के खड़े लौट गया। जितने सिपाही थे सबके पास यही सब हाथ जोड़े खड़े हैं, आओ प्रभु। भीम ने नहीं छोड़ा, बोले भीम मर जाएगा लेकिन दैन्य नहीं करेगा। अर्जुन ने कहा भैया कृष्ण की आज्ञा है। नहीं, कृष्ण हो कोई हो, मैं नहीं पीछे हटूंगा, मैं तो मरूंगा। कृष्ण ने कहा अरे भीम मान जाओ। नहीं, मैं अर्जुन नहीं हूं, मैं भीम हूं, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। ये क्या सिखाते हो तुम? अब अकेले नारायणास्त्र चला भीम की ओर, हजारों रूप धारण करके। जब श्याम सुंदर ने देखा कि ये नहीं मान रहा है तो दौड़ के गए, भीम को आलिंगन किया, चिपटा लिया। अब नारायणास्त्र उधर जाए तो भीम की पीठ, इधर आवे तो कृष्ण की पीठ। पीठ दिखाने वाले को, दीन बन जाने वाले को वो नहीं मारता है। अब उधर गए तो भीम की पीठ है, इधर आया तो कृष्ण की पीठ है, चिपका लिया कृष्ण ने, वो लौट गया। ऐसे ही बहुत अनेक घटनाएं हैं, दो चार दस नहीं है, बीसों घटनाएं हैं। भीष्म की प्रतिज्ञा के समय भीष्म ने प्रतिज्ञा किया था, मैं पांचों पांडवों को मार डालूंगा। तो बड़ी लंबी कथा है, वो पांचों बाण भगवान ने भीष्म से निकलवा लिया द्रौपदी के द्वारा। रात को द्रौपदी को भीष्म के तंबू में ले गए थे, टेंट में। और छल करके ले गए थे, रानी बना करके ले गए। क्योंकि द्रौपदी बाल नहीं बांधती थी। उस दिन भगवान बोले सब श्रृंगार करके चल। गई वहां और तंबू में घुसी, पांव छुआ तो सिखा दिया था श्याम सुंदर ने, बोलना नहीं कुछ, बस चरण पकड़ लेना, कितना भी कोई कहे बोलना नहीं, बोलेगी तो पोल खुल जाएगी। पकड़ लिया, दादाजी के चरण नहीं छोड़े। तो लेटे भे थे, उन्होंने देखा तो समझ गए कि ये तो दुर्योधन की स्त्री है, द्रौपदी नहीं है। क्योंकि द्रौपदी होती तो बाल बंद होते, बेणी होती, इसके तो बाल बंधे हुए हैं, सेंदूर हैं। जा अच्छा सौभाग्यवती हो जा। फिर द्रौपदी ने मुंह खोल दिया, दादाजी क्या, एक तरफ तो आपने प्रतिज्ञा किया है पांडवों को मारेंगे और हमको सौभाग्यवती होने के आशीर्वाद दे रहे हैं। तब करे तुझे लाया कौन रात में यहां? तेरे साथ कौन है यहां?
इतने बड़े युद्ध के मैदान में इतना पांडवों का शिविर छोड़ करके कांडवों कौरवों के शिविर में घुसी, ये सब कैसे हुआ? कृष्ण लाया? हाँ बोली, झूठ क्या बोलेंगे। चली गई। उधर श्याम सुंदर ने अर्जुन को बुलाया, तू साधु बन जा। बोले कैसे? बोले लाल कपड़ा पहन ले, सन्यासी बन जा। लाल कपड़ा पहन लिया और चलो चलते हैं। वहां सब कौरव प्रसन्न हो रहे हैं कि कल पांडव मर जाएंगे, पांचों भाई, भीष्म की प्रतिज्ञा है। चाहे धरती फट जाए, भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं झूठ हो सकती। नाच गान खूब उत्सव हो रहा है। अर्जुन को सिखा दिया, अर्जुन तू भी नाच, पांडव मरने वाले हैं, इस खुशी में तू भी नाच। अर्जुन तो नृत्य सीख के आए थे उर्वशी से, ऐसे नाचे कि जो देखे चकित हो जाए, ओह ये सन्यासी कितना बढ़िया नाचता है। दुर्योधन खुश हो गया, बोले मांग लो, तुम बहुत अच्छा नाच दिखा रहे हो, जो चाहिए सो ले लो। श्याम सुंदर बोले ये मेरा शिष्य है, ये हमने इसको सिखाया सब विद्या नृत्य इत्यादि, ये हमारा चेला है, ये बड़ा संकोची है, त्यागी है, महात्मा है, ये नहीं मांगेगा तुमसे। राजन तुम कहो तो इसकी ओर से मैं मांग लूं जो ही चाहता है। वो बोला हाँ हाँ मांगो मांगो, ये क्या चाहता है? बोले आपका मुकुट चाहता है, इसको शौक है कि राजाओं का मुकुट कैसा होता है, थोड़ी देर के लिए लंबी पहने, लो उतार के दिया। मुकुट लेकर के चले वहां से, आगे आए लाल कपड़ा उतार के फेंक फाक दे। अब क्या करें महाराज? अरे चल तो चलो, क्या करेगा? भीष्म तंबू मिले गए, इसमें घुस और चरण पकड़ लेना और बोलना नहीं कुछ, चुप रहना और सब पढ़ा पढ़ा के पाठ भेज दिया तंबू के भीतर, जाके चरण पकड़े। अब तो लेटे थे, थोड़ी सी आँख खोला, देखा दुर्योधन का राजमुकुट सामने। ओह ये दुर्योधन है, इसको विश्वास नहीं मेरे ऊपर। कल मैंने कह दिया कि पांचों पांडवों को मारूंगा, तो फिर भी आया है चरण पकड़ के विनती करने। अरे जा सो जा, कल मैंने कहा है मारूंगा। भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं टल सकती, दुर्योधन जा निश्चिंत हो जा, कल पांडव मरेंगे। तो अर्जुन नकली दुर्योधन जो बने थे बोले दादाजी अपने हाथ से शत्रु को मारने में जो आनंद आता है, जो आपने इतना किया है, तो पांचों बाण हमको दे दीजिए, उससे हम ही मारेंगे। अच्छा ले ये पांच बाण ले जा, दे दिया। बाहर निकले कृष्ण खड़े,
बोले मिल गए, बोले हाँ मिल गए, चलो। चल पड़े, दूसरे दिन लड़ाई भाई शुरू। अब दुर्योधन देखता है कि दादाजी मारेंगे और दादाजी देखते हैं कि ये पांचों बाण इसके पास है, दुर्योधन चलाएगा। बहुत देर लड़ाई भाई, वो उसकी ओर देखते हैं, उसकी ओर देखते हैं, रहस्य कोई समझ नहीं पा रहा है। बीच में कृष्ण है, रथ हंस रहे हैं क्या बुद्धू बनाया है दोनों को। आखिरी में खींच करके दुर्योधन बोला, दादाजी इतनी देर हो गई, आप मारते क्यों नहीं हैं? बोले दुर्योधन तू क्यों नहीं मारता है, तू पांच बाण मार के मांग के लाया था रात को मेरे पास से, मैं जब से सोच रहा हूं सब समय निकला जा रहा है। बोले मैं कहां गया था आपके पास? तू नहीं गया था? मैं तो नहीं गया था। अरे मैं जानता नहीं तेरा मुकुट, पहचानता नहीं तेरा मुकुट, मेरे चरणों में था। ओ, समझ गया कि तो मुकुट हमसे मांगा था उस साधु ने। बोले दादाजी मैं नहीं था। तू नहीं था? नहीं मैं नहीं था। और एक घटना सुना दें, अच्छा अभी समय है। जब सब मारे गए कौरव, आखिरी दिन था, दुर्योधन पानी में छिपा था एक तालाब में, जल को बांध करके माया से। ढूंढा गया कि भाई कहां है, अकेला दुर्योधन बचा है। तो ग्वारियों ने बताया कि हम गाय चराने गए थे, तालाब के भीतर कोई घुसा है और निकला नहीं है। तो समझ गए दुर्योधन है, माया से पानी बांध लिया है और वही है। कृष्ण गए वहां से, आवाज लगाया पांचों पांडवों के साथ, अरे कुरुपति अब पानी में क्यों छिपते हो? सबको मरवाने के बाद तुमने शुरू में ही संधि लिए कृष्ण गए थे, आज मान लेते तो सारे कौरव को मरते, अब तुम मरवाने के बाद भीष्म को, गुरु को, सबको मरवा करके यहां अकेले छिपे हो, ये तुमको क्या अच्छा लगता है? सबको मरवाने के बाद तुम अकेले जीना चाहते हो और महारथी बनते हो? दुर्योधन निकला और बोला, भाई मैं अब अकेला हूं, कैसे लड़ूंगा? तुम पांच हो। तो युधिष्ठिर आगे आए, वो तो धर्मराज थे, बोले भैया तुम पांचों में किसी एक से लड़ लो, उसको जीत लोगे तो सारी जीत तुम्हारी आज हो जाएगी। तो कृष्ण ने कहा, देखो सब लड़ाई हम लोग जीत चुके हैं, ये इन्होंने अपना धर्म के कारण आज हार हम लोगों को करा दिया। अब कोई क्या बोलता, दृष्टि से निकल गई बात तो निकल गई। दुर्योधन बोला,
कि मैं समान बल वाले से लड़ूंगा। नकुल सहदेव छूटे हैं, अर्जुन भी छोटा है उम्र में हमसे, मेरे और भीम की एक आयु है, भीम से लड़ूंगा। तो चलो भीम से युद्ध हुआ, उसमें भी भीम हार रहे थे। भगवान ने इशारे से बताया था कि जांग पर गदा मारो, भीम जांग पर नहीं मार रहे थे, धर्म युद्ध था। गदा युद्ध में नीचे मारना अधर्म है, नाभि के ऊपर मारना युद्ध का नियम था। नाभि के ऊपर मारते थे, कुछ असर नहीं होता था, उसका कारण था जब सब हार गए थे लोग, तब दुर्योधन ने सोचा था अब क्या करें। अपनी मां के पास गया था, आखिरी प्रणाम करने, बोले मां मैं अब जा रहा हूं मरने के लिए। क्यों? अब मेरा कोई नहीं संसार में, तो मां बोली बेटा मैंने भी कहा था संधि कर ले, तूने संधि नहीं किया उसका फल है। मां तू सती है, रक्षा कर सकती है, नहीं रक्षा करेगी तो मैं मरूंगा और क्या करूं। बोली बेटा अब भी एक उपाय है। क्या उपाय है? धर्मराज के पास चला जा। युधिष्ठिर शरण में आए को कभी नहीं छोड़ेगा। दुर्योधन बोला शरण में तो नहीं जाऊंगा मैं, युधिष्ठिर के पास चला जा, तू कोई ना कोई रास्ता बताएगा तुझे। क्योंकि इसके हृदय में धर्म है। तो वो गया था युधिष्ठिर के पास, भैया क्या मेरे बचने का कोई उपाय है? मैं क्षत्रिय धर्म में नहीं छोड़ना चाहता, हथियार छोड़कर तुम्हारी शरण में नहीं आया हूं, कोई उपाय है क्या? युधिष्ठिर बोले हाँ उपाय है। क्या है? तेरी मां सती है, वो तुझको दृष्टि भर के देख देगी तो तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, कोई मार नहीं पाएगा। तो दुर्योधन बड़ा खुश हुआ कि अब मैं मां के पास जाऊंगा और कह दूंगा तू हमारी और दृष्टि भर के देख ले। संतों और महात्माओं में, महापुरुषों में शक्ति होती है, अपनी कृपा दृष्टि से देख देते हैं, उसी से जीव का कल्याण हो जाता है। श्लोक है, भूल गए हैं। यस्यानुभव पर्यंता बुद्धिस्तत्वे प्रतिष्ठिता
जिसकी बुद्धि तत्व में है, स्थित हो गई है भगवान में, तद दृष्टि गोचरा सर्वे मुच्यंते सर्वगिल विषयी। आंख भर के किसी को देख देंगे तो उसका पाप नष्ट हो जाएगा। दुर्लभा भगवत योग भाविनो भी मानवा, ऐसे महात्मा मिलने संसार में कठिन है। बक्की तो बहुत हैं जैसे हम लोग घूम रहे हैं, तत्व में प्रतिष्ठित बुद्धि जिसकी हो जाए ऐसा भक्त ऐसा साधु मिलना कठिन है। दुर्लभा भगवद योग भाविनो भूमि मानवा, तद्दर्शनात् तदालापात् सुलभम शाश्वतम पदम। उसका दर्शन कर लो, उससे बात करो, सुलभ है शाश्वत पद, अवश्य मिलेगा भगवान का पद। तो वही शक्ति सती में भी होती है। ये उन्होंने बता दिया। अब पांडव सुन रहे थे वहां, सब बड़े घबराए, भैया ने लुटिया डुबो दिया। तो कृष्ण के पास गए, बोले कृष्ण अब तो सब गड़बड़ हो गया, मामला सारी जीत हार में बदल गई। बोले क्या हुआ? भैया रास्ता बता दिया है उन्होंने, तेरी माँ आंख भर के देख रही तो तू अमर हो जाएगा, वज्र ऐसा शरीर हो जाएगा। अब कोई बचाने वाला नहीं है। श्याम सुंदर हंस गए, अच्छा अच्छा जाओ तुम निर्भय रहो। तुरंत भगवान पहुंचे दुर्योधन के महल में। दुर्योधन निकल के जा रहा था अपनी मां के पास, क्योंकि मां ने कहा था ठीक है युधिष्ठिर ने जो रास्ता बताया है मैं तुझे आंख भर के देख दूंगी, जा अपने कपड़े खोल के आ। दुर्योधन कपड़े उपड़े उतार रहे थे अपना, जो जितने भी वस्त्र हैं ऊपर के नीचे के, और नंगे होकर के जा रहे थे। रास्ते में कृष्ण मिल गए, वो तुम प्रकट भय वही महल में। अरे गुरुराज ये क्या हम देख रहे हैं हैं? तुम कुरराज होकर के नंगे जा रहे हो, तुम्हारे पास लगोटी भी नहीं है अरे ऐसी दशा तुम्हारी किसने किया? तो कुरराज बोला किसी ने नहीं किया, मैं चाहे प्राण छोड़ दूं लेकिन किसी योद्धा के सामने नग्न नहीं हो सकता। अरे तो हम क्या देख रहे हैं, गलत देख रहे हैं, ऊपर से नीचे तक तुम एकदम नग्न हो। बोले कृष्ण मैं अमर होने के लिए जा रहा हूं। ये क्या मामला है, हमको समझा तो सही पहले, हम भी बड़े प्रसन्न हैं तेरे। बोले ऐसा है, धर्मराज दृष्टि ने हमको रास्ता बताया है, आंख खोल के देख देगी तेरी मां तो मैं मेरा शरीर वज्र हो जाएगा। हाँ इतनी निश्चित बात है, तुम्हारी मां में इतनी शक्ति है। एक बात मैं कहूंगा, मां की गोद में बच्चा नंगा रहता है कोई दोष तो नहीं है? बोले नहीं, मां की गोद में बच्चा नंगा रहता है, टट्टी करता है, पेशाब करता है। कौन सा बच्चा? जो तुरंत का बच्चा पैदा हुआ है वो
फिर वही लड़का जब बड़ा हो जाता है तो क्या नंगा जाता है माँ के पास? माया घुमा रहे हैं, बोले नहीं कृष्णन, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। नहीं, हम तुमसे थोड़ी कह रहे हैं हमारी बात मानो। तुम वस्त्र मत पहनो, लेकिन ये अपनी इंद्री को किसी तरह से ढक लो, यो शोभनी नहीं है। हम तो लकोट टुकोट भी नहीं पहनेंगे। नहीं, लंगोट मत पहनो, ये फूल की माला ले लो हमारी, ये कोई वस्त्र नहीं है, ये फूल की माला अपने इंद्री पर लपेट दे। उसकी समझ में आ गई बात, तो ठीक है, ये कोई वस्त्र भी नहीं है, ये तो फूल की माला है। फूल की माला लेकर के लपेट दिया उसने, जैसे महादेव पे जैसे माला चढ़ाते हैं, और फिर गया वहां। गांधारी ने कहा, पुत्र सब वस्त्र खोल दिए? बोले हां मां। तो वो नेत्र खोल करके उसने देखना शुरू किया ऊपर से नीचे तक। अब जब यहां पहुंची तो वहां माला मिली लपटी भाई। बोले क्या किया तेने? ये तो ठीक नहीं किया तूने। ये किसने तुझको समझाया था? बोले कृष्ण मिले थे। बोले छोटा बच्चा मां के पास नंगा जाता है, अब तू तेरे नाती पंती जब बूढ़ा हो जाता है तो क्या मां के पास नंगा जाता है? तो हमने कहा वस्त्र नहीं पहनूंगा, तू माला दिया कृष्ण ने। ओह जा, यहां तक तो तेरा शरीर वज्र का रहेगा, इससे नीचे तेरा शरीर कच्चा रहेगा। तो भीम जब हारने लग गए थे तो कृष्ण की ओर बड़ा लंबा मामला है, समय हो गया, तो उन्होंने भगवान की ओर देखा था, नस नस ढीली हो गई थी भीम की। तो भगवान ने जांग पर ओर इशारा किया कि जांग पर मार। जांग पर मारा, गिरा, मरा। उसके बाद भी उन्होंने बचाया, नहीं तो भीम को मार डालते दाऊ जी। जब घायल पड़ा था दुर्योधन तो उसके पांव को उन्होंने जाकर के ठोकर मारा। दाऊ जी आ गए थे युद्ध के मैदान में आखिरी लड़ाई देखने। दाऊ जी गुस्से में आए, अरे एक तो अन्याय से तूने जांग पर मारा, प्रहार किया, और पांव से ठुकराता है उसके मस्तक को, मैं नहीं सह सकता। कह के दौड़े उसको, मैं आज इसको मार डालूंगा भीम को। अब दाऊ जी से कैसे बचेगा कोई? तो सब समझ गए आज भीम की मौत है। दाऊ जी आ गए हैं मारने के लिए। जैसे दाऊ जी चले वैसे आकर कृष्ण लिपट गए उनके। भैया क्या है? दाऊ जी गुस्से में बोले, मैं इसको भीम को मारूंगा अभी। ठीक है भैया। दुर्योधन ने या भीम ने लड़ाई में जो कुछ किया अनुचित किया। जब कोई बहुत गुस्से में हो तो उसकी हां में हां मिला दो तो कुछ टेम्परेचर गिर जाता है, और फिर उसके बाद उससे बहस करो। तो उन्होंने कहा, हां ये तो बड़ा अन्याय किया भीम ने, हम भी इसका समर्थन करते हैं।
और भैया तुम तो जो कहोगे धर्म की बात करोगे, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे, भीम वध के लायक है। दाऊ जी बोले हां कृष्ण आज तू समझ गया है। लेकिन भैया एक बात है, उस समय तुमने भी सुना होगा द्रौपदी की साड़ी खींची गई थी, क्या तुम्हें दुख लगा था? तुमने भी सुना था कि पांडवों को आग में जलाया गया, अब लिस्ट गनाने लग गए ऊपर से नीचे तक, 2500 कौरवों के अपराध। क्या तुमने आज तक कभी सोचा अन्याय हो रहा है? विष दिया गया, दूत क्रीड़ा बेईमानी से खरी गई, सारा राज जीता गया, क्या हम लोग बोले? तुम या हम सब चुप बैठे रहे? वो अपने आप को भी लिया, लपेट में ले लिया, हम सब अधर्म के भागी हैं, इतने दिन तक चुप रहे, आज तुम भैया धर्म की बात करने आए हो? ऐसी बहस किया उन्होंने, ये मुकदमा खारिज हो गया। अरे कृष्ण सब तेरी गड़बड़ी है, हम समझ गए, कह करके वो रुष्ट होकर चले गए, वहां भी बचा लिया। तो ये ऐसे बहुत से घड़ियां हैं जो सारा महाभारत के युद्ध देखे हो तो पता पड़ता है। अनन्याश चिंतेंतो माम ये जना परिउपासते। हाँ, अनन्य बनो। अनन्य बोले क्या अनन्य बने? बोले हम तो साहब उस संप्रदाय के हैं, हम उसकी वाणी पोथी पाठ कर लेते हैं, इसलिए अनन्य हैं। हम बल्लभ को लिया है, हम सिर्फ सुबोधिन जी पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। हम राधा बल्लभी हैं, केवल चतुरासी पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ते। हम हरिदासी हैं, केवल स्वामी जी के पद गाते हैं और कुछ नहीं गाते। हम हरिवंशी हैं, हरिवंशी के पद गाते हैं। हम दिम्बारकी हैं, केवल महावाणी के पद गाते हैं, बस अनन्य हैं। इसको अनन्य नहीं कहते। भगवान ने कहा चिंतन अनन्य होना चाहिए, अनन्याश चिंतयंतो माम। अब हम अनन्य बन रहे हैं और चिंतन चल रहा है कहां से पैसा आवे, चिंतन चल रहा है कि लड्डू कहां से मिले, चिंतन चल रहा है कि हमारी बहू क्या करेगी, बेटा क्या करेगा, उसको अनन्य नहीं कहते। अनन्य कहते हैं जो को प्रभु के आश्रय आवे सो अन्य आश्रय सब छिटकावे, महावाणी। अन्य आश्रय हुआ और अनन्यता खत्म, भाई कुछ नहीं मिलेगा तुमको। सिद्धांत सुख में सबसे पहले यही बातें कही गई, जो को प्रभु के आश्रय सो आवे सो अन्य आश्रय सब छिटकावे, और विधि निषेध के जे जे कर्म तिनको त्याग रहे निष्कर्म। विधि निषेध के कर्मों को छोड़ दो। अब क्या है, हम लोग क्या करते हैं, मीठी मीठी गप और कड़ी कड़ी थू। पंगत गए, लड्डू मारने लग गए, खूब धड़ाधड़ खा गए और मिर्च की सागा छोड़ दिया। विधि के कर्म को तो छोड़ देते हैं, निषेध के कर्मों को नहीं छोड़ते, तो हम कैसे रसिक हैं? विधि निषेध के जे जे कर्म तिनको त्याग, जबकि उनको छोड़ना जरूरी है। निषेध के कर्म तो आज तक नहीं छोड़ पाए और न शायद छोड़ पाएंगे, कोई भगवान की विशेष कृपा हो जाए
और बनते हैं भक्तराज, रसिकराज, वैष्णवराज। साफ साफ मना किया है, शायद पांचवें स्कंद का श्लोक है। तत्व ज्ञान तुमको नहीं हो सकता है, न तस्य तत्व ग्रहणाय साक्षात वरीयसी रपि वाचः समासन। हैं 5:11-3 वरीयसी माने श्रेष्ठ वाणियां, वेद वाणी, भागवत वाणी, पुराण की वाणी, गीता वाणी, कृष्ण वाणी, ये सब वरीय सी वाणियां हैं, आचार्यों की वाणी। चाहे हरमंश जी हों, चाहे हरिदास जी हों, पाठ करते जाओ कुछ नहीं होगा। न तस्य तत्व ग्रहणाय साक्षात वरीयसी रपि वाचः समासन। कब तक? स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेधि सौख्यम नस्य नयस्य हेयानुमितम स्वयं स्यात्। गृहमेधि सुख क्या है? मैथुन। इसके प्रति जब तक तुम्हारी हे बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं होगा। पाठ किए जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, और दिखाई पड़ रहा है। तो अनन्य मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, विधि छोड़ने में तो कुछ नहीं लगता है, छूटे भय अनादिकाल से, निषेध को नहीं छोड़ पाते हैं। केवल उन्होंने नहीं लिखा है, अब बहुत बढ़ा के क्या कहें। खान पान सुख चाहे अपने, प्रेम पदार्थ सुए न सपने, सभी रसिकों ने भी कहा है। जय श्री राधे। yeah.